अमन नाम सुन के शांत समझे क्या? फायर है मैं। सवाल कर ले भाई, एक वंडरफुल प्रॉब्लम है, वंडरफुल प्रॉब्लम है। आई एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन दे रखा है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बताना है। दम है तो वीडियो पोज करो, अपने अंदर की फायर चेक करो, देखो सवाल सोल्व हो रहा है क्या। मुझे यकीन है तुम छटपटाओगे तो पक्का एक बार। अटेम्प्ट लगाने के बाद फिर भाई का सलूशन देखना। फ्लावर समझा है क्या? सलूशन देख लो इधर। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस वाली क्वांटिटी को इधर ले आओ, इस वाली क्वांटिटी को इधर ले आओ। तो मेरा y प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा वन अपॉन x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। और तुम्हारे भाई ने क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। जी रोक तो सकते नहीं तो मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। तो y प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो देखते हैं कितनी आती है। अच्छा यहां पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो डिनोमिनेटर में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फर्दर जब अपन सोल्व करते हैं ना भाई, तो ये आ गया माइनस वन। तो मेरे दोस्त डिनोमिनेटर मेरा माइनस वन है, तो इसको जब माइनस वन से डिवाइड करोगे तो पलटी मार के ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना, तो एक और मजेदार बात आपको समझा दूंगा मैं। ये बात अपने को समझ में आ गई, अब नेक्स्ट वाली लाइन को ध्यान से समझना, उसके बाद क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। सुनना ध्यान से, मैं इस वाली क्वांटिटी को इधर ले गया और सिंप्लीफिकेशन किया तो मेरे को ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर मिली। अगर मैं इस क्वांटिटी को नीचे ना ले जा करके मैं ये वाले पोर्शन को नीचे लेके जाता और सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करता, तो सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करके सिमिलरली मुझे मिल जाता, मुझे मिल जाता एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। गॉट इट? अब जोड़ दो दोनों को। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं, मेरी इक्वेशन नंबर वन और मेरी इक्वेशन नंबर टू है ये, अगर मैं इनको ऐड कर दूं ना, इन दोनों को ऐड कर दूं, तो देखो हो क्या रहा है। इन दोनों को ऐड करके इधर ये लेफ्ट में ये टर्म है, ठीक है, ये इधर से कैंसिल हो रही है और ये इससे कैंसिल हो रही है ना। फिर भी तुम्हारे लिए मैं ऐड कर देता हूँ, कभी ये समझो कि यार सर ने डायरेक्टली क्यों लिख दिया, डायरेक्टली लिखना आना चाहिए अब तुमको, मैथ्स में फायर बन जाओ, ठीक है ना। तो सर मेरे ये हो गया कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखो जरा, खट 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 कैंसिल आउट हो गया। लेफ्ट साइड में क्या है एक्स प्लस वाई, राइट साइड में क्या है माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो मेरे को मिल गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा, टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया, कितना हो गया टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, है ना। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई इक्वल टू जीरो। तो मेरे दोस्त एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछा है, वो भी कितना हो गया, जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो गया। तो यहां पे मैंने क्या किया था, इस क्वांटिटी को नीचे ले जाकर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, मुझको ये इक्वेशन मिली, सिमिलर तरीके से मेरे को ये मिल जाएगी। दोनों को जैसे ही जोड़ा मुझको x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई, पूछा x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछा था, जीरो आ गया आंसर, भन्नाट तरीके से। फ्लावर समझाए क्या? कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय।